आज हम रमज़ान स्पेशल में एकदम सॉफ्ट स्पंजी दही भल्ले बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1.25 किलो उड़द दाल सोख करके रखा था नाइट में, और सुबह में उसके छिलके उतारे, क्योंकि मेरे पास बिना छिलके की दाल अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन के मौके पे। जो मिला घर में उसी से मैं बना रही हूँ। तो ये छिलके वाली उड़द दाल रखी थी, उसी को मैंने सोख किया और भिगा कर छिलके उतार दिए हैं। अब इसमें से मैं आधा अमाउंट दही भल्ले बनाऊंगी और आधा तीखे दही भल्ले जो मेरे बच्चों को पसंद है वो बनाऊंगी। तो आपको आगे हम बनाकर बताते हैं। अब मैंने दाल को पीस लिया है मिक्सी में, एकदम महीन पीसा है। अब इसे हम इस तरीके से फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं करना है। स्पंजी बनाने के लिए ये फेंटना बहुत ज़रूरी है। जब तक दाल फूलने न लगे तब तक फेंटते रहो। हमने इतना फेंटा एक ही डायरेक्शन में, दाल फूल गई है। और अब हम ये थोड़ा सा सैंपल पानी में डालकर देखते हैं, अगर ये ऊपर आने लगे तो समझ लो कि बैटर एकदम अच्छा रेडी हो गया। देखिए कैसा ऊपर आ गया, तैरने लगा, इसका मतलब हमारा बैटर एकदम बहुत अच्छा तैयार हो गया है। ना इसमें मैंने नमक डाला है, ना कोई चीज़ नहीं डाला है मैंने इसमें। अब ये हम गरम पानी लिए हैं, थोड़ा ओवन में गरम पानी कर लिए थे ये बाउल में, और ये थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल देंगे। डाल के ये गरम पानी में डूबने देंगे। फिर इसके बाद हम देखिए तेल गरम करने रखे हैं, और अब हम अपने हाथों की मदद से मीडियम स्लो आँच रखेंगे पहले, और इसे बड़े बड़े साइज के डालेंगे। धीमी आँच रखेंगे। अभी जल्दी जल्दी बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से ये बड़े बड़े बनेंगे एकदम फूल के। बस अब हम इतना ही डालेंगे, और अब देखिए किस तरह से इसके इसे फ्राई करना है। इसे तो पहले डालूंगी, ये ऊपरी पोर्शन पे हम तेल डालते रहेंगे तब, ताकि ये अच्छी तरह से पूरी तेल में डूब जाए। आँच धीमी रखें, देखिए इनकी साइज कितनी बड़ी हो गई है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। इसे उलट पलट कर चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए ये धीमे मीडियम आंच पे हम कर रहे हैं। ब्राउन होने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं, और इसी तरह से चलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। 8 से 9 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, अच्छी तरह पक गया होगा। हमने फ्लेम एकदम स्लो मीडियम रखा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए मैंने निकालने से पहले ये जो पानी है इसे मैंने गरम मीडियम गरम पानी लिया है, और उसमें हींग और थोड़ा सा नमक मिलाया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और मीडियम गरम पानी है, थोड़ा सा गरम है। तो अब हम इसमें ये दही भल्लों को तकरीबन 1 घंटे तक, जितना टाइम आपके पास हो, अगर आधा घंटा हो तो आधा घंटा निकाल कर इसमें डुबो देंगे। अब
और गैस बंद कर देंगे, इसे ढांक कर रखेंगे, इसे डुबो कर ऐसा ढांक के रख देंगे। जब इसकी साइज डबल हो जाए तो फिर हम इसको दही भल्ले में बनाएंगे। जब तक दही भल्ले फूल रहे हैं तब तक हम उसका दही बना लेते हैं। ये मैंने दही लिया है और इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसमें कुछ नहीं डालना है। ऊपर से आपको भुना जीरा और लाल मिर्च और चटनी, इमली, खट्टी मीठी इमली की चटनी और हरी चटनी की ज़रूरत होती है, वो हमने बना के रखा है ऑलरेडी, यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो आपको सर्व करके बताते हैं। अब दही शक्कर हमने खूब अच्छी तरह से फेंट लिया। अगर आपको थोड़ा पतला करना है तो पानी डाल सकते हैं। अब यहाँ इसकी कंडीशन देखते हैं, देखिए साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं। इसे हम ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, एकदम स्पंजी हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी निकाल कर बाहर करेंगे प्लेट में। आपको दिखाते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं कितने स्पंजी बने हैं, काट के बताते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल, एकदम स्पंजी, स्पंज की तरह से दही भल्ले बने हैं। अब हम इसको ऐसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने हमने दही लिया है और दही में शक्कर डाला है, ये कूटी हुई लाल मिर्च है, इमली की खट्टी तीखी चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, और ये भुना जीरा पाउडर है, ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी है, और ये चाट मसाला है। अब हम सबको अलग अलग सर्व करेंगे, इस तरीके से लगा देंगे। अब हमने प्लेट में लगा दिया, अब इस पर दही डालेंगे हम। ये दही बल्ले एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और इतने टेस्टी होंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं ये। अब हम इस पर ये खट्टी तीखी चटनी डालेंगे, ये मीठी चटनी डालेंगे, ये हरी चटनी डालेंगे, ये कुटी हुई मिर्च, थोड़ी थोड़ी सी नमक हमने नहीं डाला क्योंकि चाट मसाला डाल रहे हैं, ऑलरेडी चाट मसाले में थोड़ा सी काला नमक और जीरा है, इसलिए हम इसमें ये डाल रहे हैं। अब ये और ये भुना हुआ जीरा, अब हमारे दही भल्ले रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये दही भल्ला पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट डालना ना भूलें। शुक्रिया।